16 नंबर शीट है आपकी हैंड रिटन में, इसके अंदर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की हेडिंग में डाल लो, इसके ऊपर बड़ा सा डाल लो, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये लिखो इसके ऊपर, बुकलेट के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ऑप्टिकल बेंच पे लेंस रख के वो मूव करना इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। और डिस्प्लेसमेंट मेथड काम आता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। जैसे आज हमने निकाल ली 80 इज इक्वल टू 4f, तो फोकल लेंथ निकाल देता है वो। तो इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली लैब में लेके जाते हैं, लेंस रखते हैं, लेंस की फोकल लेंथ निकालने को कहेगा वो आपको इंस्ट्रक्टर की, निकालो। तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर बनती है। जैसी क्लियर बनती है वो स्केल से दूरी माप लेते हो 80 सेंटीमीटर, वो हमेशा 4f ही होती है। तो f एक नोट में आ जाता है बिना कुछ किए, u और v के f आ जाता है। ये फायदा है इस मेथड का। तो ये न्यूमेरिकल क्या बनाया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज d, डिस्टेंस u और v के बीच में कितना है कैपिटल d, कन्वेक्स लेंस को रखा गया इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। प्रूव दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन मिनिमम वैल्यू ऑफ d शुड बी इक्वल टू 4f, ये इसका प्रूफ है। तो इस प्रूफ के लिए मान लो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कैपिटल d है, तो अगर ये कैपिटल d है तो u की वैल्यू क्या होगी, मान लो इमेज v पे बन रही है तो u की वैल्यू क्या होगी, d माइनस v, u नेगेटिव होता है तो u की वैल्यू आ गई। फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेके v निकाल लो, इसमें u की जगह ये ऊपर वैल्यू जो आई वो पुट कर लो, नीचे और ऊपर दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर और वी में क्वाड्रेटिक बन गई। आपने याद कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ समझना है, प्रूफ नहीं आएगा आपको कहीं लिखने के लिए। क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक के वी के रूट्स निकालो तो ये रूट्स आ गए। अगर आप चाहते हो वी पॉजिटिव और रियल इमेज बने तो वी पॉजिटिव होना जरूरी है, तो इसके लिए ये जो अंडर रूट की टर्म है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहां से अगर सॉल्व करो तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। ये रिजल्ट है कि यहां पर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4f है। ठीक, आपको याद नहीं करना है इस रिजल्ट को, सिर्फ प्रूफ दिखाया कि कैसे ऐसा करते हैं। ठीक है यहां तक। इसके अंदर v की रादर दो वैल्यूज आती हैं, अगर आप ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव रूट के साथ एक नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव रूट के साथ v की दो वैल्यूज आती हैं, इसका मतलब कि दो बार रियल इमेज बन सकती है इस मेथड में, यानी कि लेंस की दो पोजीशंस हैं, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, ताकि क्लियर इमेज स्क्रीन पे बन सके। तो v की दो इमेजेस बन सकती हैं, तो दो जगह क्लियर इमेज कैन बी फॉर्म्ड, पर मिनिमम डिस्टेंस यहां पर 4f है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है। तो लिखना क्या है सच, पहले लिखो हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट मेथड, लिखो हेडिंग डालो यहां पे, लिखो डिस्प्लेसमेंट मेथड, हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर एक रिजल्ट लिखो, टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन मिनिमम वैल्यू या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी 4f। ये स्टेटमेंट लिखो, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी 4f। और ये लेंस कौन सा यूज किया जा रहा है यहां पर, कन्वेक्स ओनली, क्योंकि अदर साइड पे स्क्रीन अदर साइड पे है, रियल इमेज है तो लेंस कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4f। और डिस्प्लेसमेंट मेथड काम कहां आता है, इट इज यूज, ये भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये लिखो, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस यहां निकालने के काम आता है।
ठीक है यहां तक? तो ये दो टर्म लिख ली, फिर इसके नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा कि फोकल लेंथ की वैल्यू मैग्निफिकेशन के साथ कैसे, एक ऑप्शन आएगा ये प्रूव करो या ये मार्क करो ऑप्शन। तो इसके अंदर ये प्रूव किया गया है कि फोकल लेंथ इसके इक्वल है, एलसीएम लेके इसके इक्वल है, यू इसके अंदर नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू पुट करके सॉल्व करके वी की जगह यहाँ पर ये फोकल लेंथ आएगी। फोकल लेंथ में ये जो वैल्यू आई इसके अंदर वी इस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अगेन, तो यहाँ से यू कट गया, यहाँ से यू कॉमन आ गया, वी बाई यू मैग्निफिकेशन है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट नोट करो, ये कोई नहीं करने वाला ऑब्जेक्टिव में कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में एफ की वैल्यू इसके इक्वल है, ये फॉर्मूला नोट कर लें सिर्फ, अगर बाय चांस ऑब्जेक्टिव आ जाए तो मार्क करने को आ जाएगा। वेयर कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बाय चांस अगर आ जाए, वैसे रेयर चांस है, पर एक ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं किताब में मिलेगा, तो सीधा ऑप्शन मार्क कर देना बस, ठीक। कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें न्यूमेरिकल बता दिया मैंने, 4F वाला कैसे आता है इसमें।